वालेकुम वेलकम टू अनदर व्लॉग और आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं जाने वाला हूँ इस्लामाबाद हाइकिंग करने अपने कज़न के साथ जा रहा हूँ ट्रेल थ्री पे और ये मेरा पहला व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको इस्लामाबाद हाईवे से ट्रेल थ्री तक का मुकम्मल रास्ता बताऊँगा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस व्लॉग में और आपको भी साथ साथ मैं हर एक, एक चीज़ दिखाऊँगा और आपको दिखाऊंगा ट्रेल थ्री की मेन एंट्री उसके बाद ट्रेल थ्री का रास्ता कैसा है डेंजरस रास्ता है या नॉर्मल है क्या उसका निज़ाम है किस तरह से वहाँ ने वहाँ पे हाइकिंग करनी है ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा और आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अभी फ़िलहाल मैं घर से निकला निकलूँगा मेरे साथ एक कज़न है अधिल भाई मैं और ये मेरा कज़न हम जा रहे हैं सबसे पहले फैज़ाबाद क्योंकि फैज़ाबाद मेरे तीन कज़न और आ रहे हैं जिनका उन्हें पिक करना है सो so, हमने दरफैज़ाबाद से सबसे पहले उन तीन कज़न्स को पिक किया है उसके बाद फिर हम निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ़ इस्लामाबाद हाईवे पे इस टाइम हम इस्लामाबाद हाईवे पे हैं और हम जा रहे हैं ट्रेल थ्री पे और आपको भी साथ साथ हर एक एक चीज़ दिखाएंगे ये मेरे तीन कज़न हैं जुबैर भाई हैं जवाद भाई हैं शहजाद भाई हैं अदील भाई हैं और मैं हम पांच बंदे आज जा रहे हैं हाइकिंग करने कल कर रात को प्रोग्राम बना था तो फिर हमने सोचा चलें ठीक है हमारा एक व्लॉग भी बन जाएगा आप लोगों को भी साथ साथ हम दिखा देंगे और इन्जॉय जो होगा हमारा जो हम इंजॉयमेंट वहां पे करेंगे जिस तरह हम हाइकिंग करेंगे ईच एंड एवरीथिंग वो भी आपको हम दिखाएंगे सो इस टाइम हम जो है ट्रेल थ्री के रस्ते की तरफ जा रहे हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद है वो भी आगे आएगा हम आपको वो भी दिखाएंगे तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं आपको बहुत मज़ा आएगा तो ये है ट्रेल थ्री की पार्किंग जहाँ पर हम आते हैं गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम पार्क करते हैं बिल्कुल सेफ जगह है यहाँ पे कोई मसला नहीं होता ना बाइक का ना गाड़ी का बहुत सेफ़ जगह है फिर इसके बाद हम निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ ट्रेल थ्री पे ये आप चेक कर सकते हैं ट्रेल थ्री की एंट्री है और ये अब हम जा रहे हैं और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रेल पे आते हैं हाइकिंग करने आते हैं ट्रेल वन टू थ्री फोर फाइव एनीथिंग किसी भी अगर ट्रेल पे आप जाते हैं हाइकिंग करने तो आपके पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी के बगैर आप हाइकिंग नहीं कर सकते पहाड़ होता है इसके ऊपर चलना पड़ता है वॉक होती है तकरीबन अगर ट्रेल थ्री से आप जाएँ हाइकिंग करें ट्रेल थ्री से तो आपको कम से कम तीन घंटे लग जाते हैं ढाई तीन घंटे आपको लग जाते हैं मनाल तक जाने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास ज़रूरी है पानी पानी आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपके पास आ, कुछ चॉकलेट्स होनी चाहिए जो आप साथ साथ खाएँ ये दो चीज़ें आपकी मस्ट हैं जब भी आप हाइकिंग पे जाते हैं ये दो चीज़ें आपने लाजमी अपने साथ रखनी है तो ये अदील भाई जो हैं इनको फर्स्ट टाइम मैं ये ट्रेल पे लेके आया हूँ पहले तो ये नहीं आना चाह था लेकिन इनको मैंने कहा यार चलते हैं आप वहाँ पे हाइकिंग करेंगे थोड़ी वॉक वगैरह करेंगे तो आपका वेट भी कम होगा माशा से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो इनको फर्स्ट टाइम ले के आएँ तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है यहाँ पे इनका यहाँ पे चलना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई है यहाँ पे लेकिन यह है कि दिल भाई ने हिम्मत नहीं हारी फिर भी ये वॉक करते रहे जहाँ तक इनकी हिम्मत थी वहाँ तक इन्होंने वॉक की है लेकिन एक आप देख सकते हैं कि जब एक मोटा बंदा होता है जो हेल्दी बंदा होता है उसके लिए हाइकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब कि वो कभी उसने हाइकिंग की ना हो ना कभी इतनी ज़्यादा वॉक वॉक की हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखें आपके अदील भाई के इस टाइम क्या सूरत हाल है <laughs> तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ये चेक कर सकते हैं आप पहाड़ इसके टॉप पे जाना है ये जब टॉप ख़त्म होगा उसके बाद इसकी बैक पर एक और पहाड़ है फिर उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ये दो पहाड़ आते हैं ट्रेल थ्री पे जो आप इस्लाबाद मेन इस्लामाबाद से मनाल जब आप जाते हैं हाइकिंग करते हैं तो आपको ये दो पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं देन आप पहुँच जाते हैं मनाल पर अपनी मंजिल पर तो ये अदील भाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई है इसमें क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आए थे तो फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी कोशिश करते रहे जहाँ तक ये हाइकिंग कर सकते थे जहाँ तक ये हमारे साथ चल सकते थे इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और हमारे साथ इन्होंने हाइकिंग किया लेकिन मसला ये हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम ये आए थे इस वजह से ये ज़्यादा नहीं कर सके इसलिए फिर हमने पूरा ट्रेल कंप्लीट नहीं किया हम हाफ पे वापस आ गए थे आधे रास्ते तक पहुंचे थे फिर हम वापस आ गए थे तो ये आप रास्ता देख सकते हैं बड़े मज़े का रास्ता है आप जब इसके टॉप पे जाते हैं आपको इस्लामाबाद का फुल व्यू नज़र आता है और मौसम भी बहुत अच्छा था धूप थी लेकिन इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी हवा चाह रही थी ठंडी हवा थी बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया हमने इस ट्रेल पर बहुत इंजॉय किया है और आई होप कि आप सब को भी यहाँ पे ये यह मेरा व्लॉग देख के काफ़ी मज़ा आया होगा एक किस्म का जंगल है और इसके अंदर जब आप चलते हैं आपको फुल सुकून है यहाँ पे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है और यहाँ पे टेंशन फ्री हो के आप आते हैं वॉक करते हैं आप अपने हेल्दी जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे आ वॉक करते हैं तो इससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है स्टेमना आपका अच्छा हो जाता है तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट की थी क्योंकि हम ज़्यादा चल रहे चुके थे और अधल भाई भी देख सकते हैं यहाँ पे आप आइए इस्लामाबाद का व्यू चेक करें जी इतना मज़े का व्यू है ना इस्लामाबाद बिल्कुल आपके कदमों के नीचे आ जाता है जब आप ट्रेल थ्री पर चढ़ते हैं इसके टॉप पर जाए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बहुत मज़े की जगह है हमें बहुत मज़ा आया हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और काफ़ी सारे लोग थे क्योंकि वीकेंड पर जब भी आप हाइकिंग में जाते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे जब आप आते हैं फैमिलीज़ भी आ रही होती हैं फैमिलीज़ भी यहाँ पे हाइकिंग कर रही होती हैं और मतलब कि मिक्स सिस्टम होता है लेकिन मज़ा आता है हाइकिंग करने का बहुत इन्जॉयमेंट होती है यहाँ पे पानी आपके पास मस्ट होना चाहिए पानी के वगैरह आप बिल्कुल नहीं चल सकते यहाँ पे मैं तो फुल थक गया था मुझे अब मुझसे वो नहीं चलने हो रहा था लेकिन फिर भी हमने अदिल भाई को भी मोटिवेट किया और उसके साथ साथ हमने हाइकिंग किया हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया है तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ ट्रेल थ्री पे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपने मेरे इस व्लाग को देखना पूरा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये व्लाग कैसा लगा तो इसके बाद फिर इन मैं नेक्स्ट व्लाग की तरफ जाऊँगा आपको मैं सारे ट्रेल दिखाऊँगा अपने व्लाग के अंदर ये ट्रेल थ्री का व्लाग था था इसके बाद जो वन टू और फ़ोर फाइव हैं उनका भी मैं आपको विज़िट कराऊंगा वो भी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ये आप चेक करें जी यहाँ पे बहुत फिट निज़ाम है ये जी जवाद भाई हैं ये भी व्लॉगिंग करते हैं मेरे साथ साथ तो आज हम दोनों ने मिल के इस ट्रेल थ्री को फुल कैप्चर किया है अपने मोबाइलों में जवाद भाई ने मैंने दोनों ने मिल के इसको कैप्चर किया है और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है शहजाद भाई भी थे दोबहर भाई भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बहुत मज़ा आया है और आप लोग भी इस ट्रेल पर लाजमी जाएँ ये ट्रेल बहुत मजे है इसके बाद मैं आपको ट्रेल फाइव का भी ट्रेल फाइव भी आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में सो so, हमने हाइकिंग वगैरह कर ली थी फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने शरबत वगैरह पी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी फिर हम नीचे जब उतरे तो हमने शरबत पी है बहुत मज़ा आया है तो मैं अपना व्लॉग करूँगा यहाँ पे एंड अब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और मेरे चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा व्लाग कैसा लगा है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़